इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजों पर राहुल गांधी का पहला रिएक्शन सामने आया है। जम्मू कश्मीर में इंडिया के संविधान की जीत हुई, राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हरियाणा में अप्रत्याशित नतीजों पर विश्लेषण करेंगे। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन को शिकायतों से भी अवगत कराएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आखिरकार सामने आई। राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत भी कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। बता दें कि नतीजों के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए थे और कहा था कि यह तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। पार्टी नतीजों को स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा के नतीजे बहुत ही अप्रत्याशित हैं।